आप सभी दोस्तों को माता यशोदा जयंती पर की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में माता यशोदा की जयंती कब मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती का बहुत ही महत्व है। यशोदा जयंती उत्तर भारतीय चंद्र कैलेंडर के अनुसार हर साल फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा की जाती है और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की आराधना करते हैं उन्हें वो सब कुछ मिलता है जिसकी वो कामना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तब उनका जन्म माता देवकी ने ही किया था, लेकिन उनका पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा किया गया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में माता यशोदा की जयंती कब मनाई जाएगी और क्या है इसकी पूजा विधि। साथ में जानते हैं माता यशोदा जयंती की पूजा से क्या लाभ होते हैं और जानेंगे इसका महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं माता यशोदा जयंती की पूजा से लाभ के बारे में। मान्यता है कि यशोदा जयंती के दिन माता यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। विशेषकर संतान की कामना करने वाले लोगों को इस दिन पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। यशोदा जयंती के दिन पूजा अर्चना करने से घर परिवार में खुशी का माहौल और आनंद बना रहता है और परिवार में भी स्नेह बना रहता है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा ही बनी रहती है। ये थे यशोदा जयंती पूजा से होने वाले लाभ होते हैं। और अब जानते हैं यशोदा जयंती का महत्व क्या है। यशोदा जयंती फागुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन मनाई जाती है। इस दिन माता यशोदा की गोद में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और माँ यशोदा की पूजा होती है। शास्त्रों में बताया गया है इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार की संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जो भी इंसान इस दिन माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई स्त्री सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ यशोदा जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माता की पूजा करती है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यशोदा जयंती पर माताएं उपवास रखकर संतान के सुख के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। मान्यता है इस दिन संतान सुख से वंचित लोग अगर माता यशोदा का व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करते हैं तो उन्हें भी संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है माता यशोदा नाम से ही यश और हर्ष देने वाला है, जिसके चलते इस व्रत को रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। संतान से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। तो ये था माता यशोदा जयंती पर्व का महत्व। और अब जानते हैं इसकी डेट और तिथि। इस साल यशोदा जयंती का त्यौहार फागुन महीने में 1 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा 1 मार्च 2024 को सुबह 6:21 पर और षष्ठी तिथि का समापन 2 मार्च 2024 की सुबह 7:03 पर होगा। और अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि विधान क्या है। यशोदा जयंती के दिन पूजा करने के लिए सुबह प्रातः उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर
किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात कलश को स्थापित करें। कलश स्थापित करने के पश्चात यशोदा जी की गोद में विराजमान लड्डू गोपाल की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें और अब माता यशोदा को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चुनरी चढ़ाने के पश्चात अब माता यशोदा को कुमकुम, फल, फूल, मीठा रोट, अंजीरी, माखन और सभी चीज़ें चढ़ाएं। इन सभी चीज़ों को चढ़ाने के पश्चात माता यशोदा के समक्ष धूप व दीप जलाएं और यशोदा माता और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा करें। अब श्रद्धा पूर्वक यशोदा जयंती की कथा सुनें और माता यशोदा और लड्डू गोपाल की आरती करें। आरती करने के पश्चात माता यशोदा को भगवान कृष्ण को मीठे रोट का भोग लगाएं और भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी और माखन का भोग अर्पित करें और पूजा करने के पश्चात अपने दोनों हाथ जोड़कर माता यशोदा और लड्डू गोपाल से पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। माता यशोदा को लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करने के पश्चात स्वयं रंजीरी का प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। पूजा संपन्न करने के पश्चात गाय को भोजन कराएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। गाय को भोजन करवाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर अपनी संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम भू भुव स्व तस् विप्रणेयम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप माता यशोदा जयंती के दिन पूजा करेंगे तो निश्चय ही भगवान आपके संतान की सभी बाधाएं दूर करेंगे और संतान चाहते हैं तो उसकी भी आपको प्राप्ति होगी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रेम से बोले जय श्री राधे कृष्ण। तो ये थी जानकारी माता यशोदा जयंती 2024 की। आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए समय समय पर आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय पर लेकर आते रहते हैं और आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।